तो ध्रुव जी के सौतेली माँ ने हाथ पकड़ कर नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी बेचारे रोते रोते घर आए, माँ ने कहा बेटा जा सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। सुरुचि ने कहा जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज तप करने चले, माँ ने कहा बेटा जाओ तप करो। सोचिए 5 साल के हैं ध्रुव जी और अपमान कर दिया माँ ने। अपमान क्यों अपमान किया? क्योंकि पिता की गोद में बैठना चाहते थे। पिता की गोद में यूं ही मत बैठा करो। हम तो कहते हैं पिता की सिंहासन में मत बैठो, अपने सिंहासन खुद तैयार करो। क्या कहते हो? पिता की सिंहासन में बैठने वाला बड़ा है या खुद की सिंहासन तैयार करने वाला बड़ा है? अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना सफल बनाओ कि वो बाप के सिंहासन पर ना बैठे। अपनी तैयार खुद करे, अपने मेहनत से बलबूते। पिता के नाम से आपको जाना पहचाना गया तो आपका अपना क्या है? पिता के टुकड़ों पर पले तो क्या पले? अरे कुछ अपना करो, कुछ अपना नाम करो। पिता के कारोबार को आपने बढ़ाया तब तो आप सही हैं, उसे और बुलंदियों तक पहुंचाया तब तो आप सही हैं। और पिता की संपत्ति जमीन जायदाद बेच बेच के तुमने अपने शौक पूरे किए तो तुम थर्ड क्वालिटी के बच्चे हो। हाँ या ना? लायक बनो तो इज्जत बाप से ज्यादा कमाओ, सम्मान पैसा बाप से ज्यादा कमाओ। आजकल ना बच्चे ऐसे हो गए बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, बाप कमा कमा के देता है। आजकल लड़के ऐसे हैं भारत में, 80-90% लड़के ऐसे हैं शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए पर बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है। पैदा तो ऐसे कर लिए कि जैसा सब कर लेंगे और अब फीस भरने की बारी आई, पिताजी से मांग रहे हैं, पिताजी वो बच्चों की फीस भरना जरा 3,000 रुपया दे दो, 5,000 रुपये दे दो। जब तुमसे फीस नहीं भरी जा रही है तो पैदा काहे कर रहे हो? क्या बात, क्या ठीक है? पहले बच्चे पैदा कर लेना चाहिए कि फीस की व्यवस्था कर लेना चाहिए? क्या कहते हो पीले भैया, क्या विचार है आपके? पहले बच्चे पैदा कर लें कि पहले फीस की व्यवस्था कर लें? हाँ हाँ, बाप से ना मांगना पड़े ना, सही है, पिता से मांगना। ये सफल ताके लक्षण नहीं, इतना बढ़िया अपने आप को व्यवस्थित डिजाइन करो कि आपको कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत। चलो बताओ, एक कामयाब स्त्री और एक कामयाब पुरुष, आप लोग किसे सफल मानते हैं? आपकी नजरों में आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन, आप बताओ कौन है कामयाब? आप किसे कामयाब मानती हो भैया, बताओ आप सफल किसे मानती हो? आपकी नजर में सफल कौन, कामयाब कौन? मैया बताओ, मेरी मां, आप बताओ। हाँ, आपकी नजर में सफल कौन, कामयाब कौन? हाँ हाँ हाँ, हम बताएं। आज के समय में सफल व्यक्ति आप उसे मानो, कामयाब व्यक्ति उसे मानो जो अपनी मेहनत से, जो अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके, अपनी मेहनत से अपने कमाए धन से अपने माँ बाप का जरूरत पड़ने पर इलाज करा पाए और किसी के सामने उसे कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, अपने खर्चे वो अपनी मेहनत से कमाए, उसे आप सफल मानिएगा।
जिसे कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़ी हो, जो अपने खर्चे, जो उतने सपने देखता हो, जो अपनी मेहनत से पूरे करने का जज्बा रखता हो। सपने देखना बुरा नहीं है साहब, लेकिन बाप के भरोसे सपने मत देखना। मैंने कोई भी सपना किसी के भरोसे नहीं देखा, भगवान के भरोसे। कोई भरोसा नहीं किसी का, हम उतने सपने देखते ही नहीं है। तुम्हारे भरोसे सपने पूरे करने, हमें नहीं करने सपने पूरे। हम उतने ही सपने पालते हैं, हम उतने ही, कहावत सुनी होगी, जितना चादर है मैया, जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। क्या मतलब हुआ इसका? ये कहावत है कि सपने उतने ही देखो जितना आप अपने बलबूते पर पूरा कर सको। बाप के भरोसे, बाप के टुकड़ों पर ना पलना। मैं उन बच्चों को अच्छा नहीं मानता जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं।